Hello friends, my name is Sanjay Bhandari and I am going to review today Bollywood's new movie Kabir Singh. This movie is a 100% remake of Telugu blockbuster Arjun Reddy. So let's see how the Bollywood audience take this movie. इस मूवी को दो पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है. अगर हम इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अगर हम ऐसा सोचें कि फिल्म का जो हीरो होता है ही इज अ रोल मॉडल फॉर द पीपल. सो इसमें हीरो जो हरकतें करता है ही इज अ वुमेनाइजर, ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ही इज अ ड्रंकन पर्सन, ही डजंट रिस्पेक्ट वुमेन, फ्रेंड्स और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स. तो अगर वो देखें तो हमें लगता है कि कोई हीरो ऐसा होना चाहिए क्या. तो उस हिसाब से हमें फिल्म बहुत बकवास लगती है. आइए अब हम इस फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. यह फिल्म एक ऐसे आशिक की कहानी है जो प्यार में पागल है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, मेडिकल कॉलेज में वो स्टूडेंट है और खेल में भी बहुत होशियार है, लेकिन उसके प्यार के तरीके गलत हैं. प्यार करने के इस तरीके में जिस ढंग से वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है और जिस ढंग से वो अपने दोस्तों की इज्जत नहीं करता है, लेडीज की इज्जत नहीं करता है, अपने फैमिली की इज्जत नहीं करता है, तो ये हमारी आज की यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप किसी चीज को करते हो, प्यार करते हो, पढ़ाई करते हो तो उसको ढंग से करो. आइए अब हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं. फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, मतलब यूनिक स्टोरी है, ऑफबीट स्टोरी है और फिल्म का जो सबका परफॉर्मेंस है, शाहिद कपूर ने अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कोई हीरो नहीं है जो ये रोल कर सके. कियारा आडवाणी अपने एक मासूम से रोल में बहुत अच्छी लगी है. शाहिद कपूर के दोस्त हैं और भाई का रोल जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है. तो बाकी सब स्टार कास्ट का भी काम अच्छा है पिक्चर में. फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने सारे सिचुएशनल हैं, हीरो हीरोइन कोई गाना गाते नहीं है तो जैसे जैसी सिचुएशन आती है गाने उस पर आते हैं और गाने बहुत अच्छे बन पड़े हैं. फिल्म की रफ्तार बहुत तेज है, पेस बहुत तेज है, लेकिन फिल्म बहुत लंबी है थोड़ी सी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फिल्म खत्म क्यों नहीं हो रही है. फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मनोरंजक है और आपको फुली एंटरटेन करता है. सेकेंड हाफ थोड़ा सा ड्रैग होता है लेकिन फिर भी आपको फिल्म आखिर तक बांधे रखती है. फिल्म के डायलॉग्स बहुत बेहतरीन हैं और शाहिद कपूर का जो एटीट्यूड है फिल्म में वो वास्तव में देखने लायक है. शाहिद कपूर के कारण ये फिल्म देखी जा सकती है. मेरी फाइनल रेटिंग इस फिल्म के लिए होगी 2.5/5 और मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा शाहिद कपूर के लिए, कियारा आडवाणी के लिए, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के लिए और डायलॉग्स के लिए. मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों को फिल्म ना दिखाएं और फिल्म ये आप थिएटर में ही देखें.